राजनांदगांव जिला में धरमनगरी डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमनेश्वरी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे थे। यही कड़ी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी मां बमनेश्वरी के दरबार पहुंची है, जिहां उन्होंने विधि विधान ले पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली के कामना करी है। मीडिया ले चर्चा करते हुए कौशिक हां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम के ऊपर उठाए गए प्रश्न के ऊपर पलटवार करते हुए कही ने कि जहां जहां भूपेश बघेल जाते वहां वहां के रिजल्ट आप लोगन मन देखे हो। जब जब पाव पड़े संतन के तब तब बंठा ढार। भूपेश बघेल जहां भी चुनाव में गए हैं उसका पुराना इतिहास, असम के चुनाव में गए थे, असम का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उसके बाद में हमारे उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड का परिणाम आप लोगों ने देखा। बिहार में गए थे, बिहार का परिणाम आप लोगों ने देखा है। और अभी वो गए थे बता रहे हैं कि वहाँ तो ईवीएम मशीन को दोष देना ये इनके फितरत में है। जब इनके फितरत में है और इस बात का दोष देते हैं तो कश्मीर में सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मशीन से रिजल्ट आया है इसलिए हमको सरकार नहीं बनानी है। तो कथनी और करनी का अंतर कांग्रेसियों को हमने बहुत करीब से देखा है। और यदि मशीन के ऊपर ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए।